पूर्णिमा की रात में चांद की रोशनी पूरे गांव पर पड़ रही थी। पूरा गांव शांति से सो रहा था। दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज उस डरावनी शांति को तोड़ रही थी। अमन, जो शहर से अपनी मां को मिलने के लिए गांव आया था, वो घर के बाहर कुर्सी पर बैठा था। वाह, कितनी शांति है गांव में। शहर में ये कभी महसूस नहीं होती। जी करता है काम छोड़कर यहीं रहने आ जाओ। अमन आंख बंद कर कुर्सी पर बैठा था, तभी अचानक उसके पास एक गेंद आई और डर के मारे उसकी आंख खुल गई। वो गेंद हाथ में लेकर यहां वहां किसी को ढूंढने लगा। इतनी रात को कौन खेल रहा है इस गेंद से? अमन वापस घर के अंदर जाने लगा, तभी उसे पीछे से किसी की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो 15-16 साल का एक लड़का घर के सामने खड़ा था। वो लड़का दिखने में बहुत सुंदर था। उसकी नजर अमन के हाथ में जो गेंद थी उस पर थी। अमन उस लड़के की तरफ बढ़ा और, अरे कौन हो तुम और इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? उस लड़के ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस उस गेंद को घूरता रहा। तुम्हें इतनी रात को ऐसे बाहर अकेले नहीं खेलना चाहिए। कहां रहते हो तुम? उस लड़के ने अमन की तरफ मुस्कुराकर देखा और दोनों हाथ फैलाकर गेंद मांगने लगा। अमन ने भी मुस्कुराकर उसे वो गेंद दे दी। जैसे ही उस लड़के ने गेंद ली, वो वहां से भागा और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। अमन, खाना तैयार है बेटा, आ जाओ। माँ की आवाज सुनकर अमन घर के अंदर चला गया। बेटा, कल जाना जरूरी है क्या? एक दो दिन और रुक जाते तो मुझे अच्छा लगता। नहीं माँ, मेरा जाना जरूरी है, बहुत सारा काम बाकी है, सुबह जल्दी उठकर चला जाऊंगा। तभी अमन को उसके बॉस का फोन आता है। हेलो सर। अमन, एक अर्जेंट काम आ गया है, तुम्हें कल ही ऑफिस आना होगा। माँ, एक बुरी खबर है, मुझे आज रात को ही निकलना होगा, खाना खाके चला जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, चाहे तो तू कल सुबह निकल जाना, पर आज रात को नहीं। पर क्यों माँ? बेटा, आज पूर्णिमा की आखिरी रात है और आज रात वो छुड़ैल माँ बेटे बाहर घूमते हैं। हर पूर्णिमा की आखिरी रात को एक इंसान गांव से गायब हो जाता है, इसलिए अंधेरा होते ही घर के बाहर कोई नहीं निकलता। आज मत जा बेटा। ऐसा कुछ नहीं होता माँ। बेटा, ये सच है। कुछ दिन पहले तुम्हारा दोस्त राम जी ऐसे ही गायब हो गया था। किसी को कुछ पता नहीं लगा कि अब वो कहाँ है। मेरी बात मान ले बेटा, आज नहीं कल सुबह चले जाना। हाँ, मुझे कुछ नहीं होगा माँ, तुम चिंता मत करो। माँ की बात को अनसुना करके अमन रात को ही शहर जाने के लिए निकल पड़ा। बस स्टॉप पास में ही होने के कारण उसने चल के जाने का फैसला किया। अमन सुनसान रास्ते पर अकेला ही डर डर के चल रहा था। अमन बस स्टॉप पर पहुंचते ही एक लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो घबराते हुए बस का इंतजार करने लगा। तभी अचानक अमन को पीछे झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। वो बहुत डर गया। कौन है? कौन है वहां? बाहर आओ।
झाड़ियों में से वो छोटा लड़का हाथ में एक बक्सा लेकर बाहर आया और बेंच पर बैठ गया। तुम तो वही हो ना, वहां क्या कर रहे थे? मेरी गेंद वहां चली गई थी, इसलिए मैं वहां गया था। आइए बैठिए यहां। अमन उसके बगल में जाकर बैठ गया। तुम अकेले हो या कोई है तुम्हारे साथ? मेरी माँ मेरे साथ थी, पर वो मेरे लिए और खिलौने लाने गई है। कहाँ? पता नहीं। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। छोटा लड़का उसके बक्से को आगे करके बोलता है, आप मेरे खिलौने देखोगे? ये रहे, बहुत सारे हैं। बक्से में कई प्रकार के इंसानों के पुतले थे। लड़का एक एक करके अमन को दिखा रहा था। अमन ने एक पुतला उठाया और बोला, अरे ये पुतला तो बिल्कुल मेरे दोस्त राम जी की तरह दिखता है, जो कुछ दिन पहले गांव से गायब हो गया था। ये तुम्हें कहां से मिला? पता नहीं, मेरी माँ कुछ दिन पहले ही इसे गांव से लेकर आई थी। अमन डर के मारे सोच में पड़ गया। भूत! सामने एक चुड़ैल हवा में तैर रही थी। उसके रंग के कारण वो बहुत भयानक दिखाई दे रही थी। माँ, मुझे एक और खिलौना मिल गया। चुड़ैल भयानक तरीके से हंसने लगी। उसे देख उसका लड़का भी भयानक आवाज में हंसने लगा। अमन ने लड़के की ओर देखा और वो और भी डर गया। उस लड़के का सुंदर चेहरा अब बहुत ही भयानक दिख रहा था। चुड़ैल ने अपना हाथ अमन के सर पर रखा और जोर से चिल्लाने लगी। अमन भी जोर से रोने लगा। जोरों से हवा चलने लगी और अचानक से अमन गायब होकर एक पुतले में बदल गया। चुड़ैल के लड़के ने उस अमन के पुतले को उठाया और बक्से में रख दिया। चुड़ैल ने अपने बच्चे को उठाया और हंसते हुए चांद की तरफ चली गई। दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सुंदर दिखती हैं, और सुंदर चीजों को हर कोई या तो अपने साथ रखना चाहता है या साथ ले जाना चाहता है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि हर सुंदर दिखने वाली चीज अच्छी ही हो? वो बुरी भी हो सकती है। पेशे से शिल्पकार गोविंद उस चमकते पत्थर को एक मनमोहक अप्सरा के रूप में तराशने लगता है। दीवार घड़ी रात के 12 बजने का इशारा दे देती है, मगर समय की परवाह न करते हुए गोविंद अपने काम को पूरा करने में लगा रहता है। करीब 2:15 बजे गोविंद उस पत्थर को खूबसूरत अप्सरा में तराश कर आराम करने चला जाता है। लेकिन कुछ काम पूरा होते ही एक नई कहानी को जन्म दे डालते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। लोगों की चोटियां काटूंगी और 100 चोटियां काटते ही मुझे हमेशा हमेशा के लिए मूर्ति वाले शरीर से छुटकारा मिल जाएगा। अगले दिन गोविंद अपनी बनाई मूर्तियों को बेचने बाजार जा पहुंचा, जिनमें चुड़ैल मूर्ति भी शामिल थी। मूर्ति ले लो मूर्ति, अरे एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी मूर्ति ले लो। अरे भैया, ये अप्सरा वाली मूर्ति तो बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरत होगी क्यों नहीं,
आखिर हम जो बनाए हैं, वैसे इसकी कीमत क्या है? रामू मूर्ति वाले को पैसे दे देता है और मूर्ति लेकर वहां से चला जाता है। मूर्ति लेकर रामू अपने घर पहुंचता है, जहां रामू की पत्नी धनिया दरवाजा खोलती है और उसकी नजर मूर्ति पर पड़ती है। अरे वाह, कितनी सुंदर मूर्ति है, कहां से मिली? बाजार से आ रहा था तो एक मूर्ति वाला दिख गया। उसकी यह मूर्ति मुझे बहुत पसंद आ गई, तो मैं तुम्हारे लिए ले आया। मैं इसे हॉल में सजा कर रखूंगी, कैसा लगेगा? घर की मालकिन तो तुम ही हो, तुम्हारी जहां मर्जी हो वहां रखो। धनिया मूर्ति को हॉल में सजा कर रखती है। मूर्ति से भयानक चुड़ैल बनते ही चुड़ैल शिकार की तलाश में बाहर निकलकर मोहल्ले में एक ऐसे घर जा पहुंचती है जिसकी खिड़की खुली थी। अंदर झांकने पर चुड़ैल को लंबी चोटी वाली एक औरत सोती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर चुड़ैल मुस्कुरा उठती है। सुबह होते ही अपनी चोटी कटी देखकर वो औरत पूरा मोहल्ला सर पर उठा लेती है। हाय रे मेरी चोटी, किसी ने मेरी सुंदर लंबी चोटी काट ली, अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। हाय रे मेरी चोटी। जानकी बहन रो मत, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं? शहर की लड़कियों को होता होगा शौक छोटे बालों का, मुझे नहीं है। कितनी मुश्किल से चोटी बढ़ाई थी मैंने। हाय रे मेरी चोटी, हाय रे मेरी चोटी। मूर्ति के चुड़ैल रूप में आते ही वो घर से बाहर जाने ही लगती है कि दूसरे कमरे से आती खर्राटों की आवाज सुनकर चुड़ैल उस कमरे में झांकती है। उसे वहां गहरी नींद में सोया हुआ रामू खर्राटे मारता हुआ दिखाई देता है और उसके बगल में सोई हुई धनिया। इसकी चोटी तो बहुत लंबी और सुंदर है, ऐसे अभी छोटी कर देती हूँ। ये कमबख्त औरत, ये तो नींद से जाग गई। अब मैं इसकी चोटी कैसे काटूंगी? यहाँ से निकलने में ही भलाई है। चुड़ैल मोहल्ले में शिकार की तलाश में पहुंचती है। जल्द ही उसे उसका शिकार मिल जाता है। इस औरत की चोटी भी कितनी लंबी और प्यारी है, इसे काटना तो बनता है। चुड़ैल घर के अंदर चली जाती है और दांतों से पार्वती की चोटी काट लेती है। धनिया बहन, जानकी बहन, मेरी भी चोटी किसी ने रात में काट ली। पता नहीं मेरी चोटी को किसकी बुरी नजर लगी जो कट गई। अब ससुराल वाले मुझे बिना बाल के देखेंगे तो क्या सोचेंगे? हे भगवान, मैं तो उन्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, कैसे मुंह दिखाऊंगी सबको? पहले जानकी बहन और अब पार्वती बहन की चोटी किसी ने काट ली, पता नहीं कौन कर रहा है ये सब।
लेकिन सवाल तो ये है कि चोटी काट कर ले जाने वाला आखिर चोटी का करेगा क्या? पूरे मोहल्ले में एक तुम ही बची हो जिसकी चोटी अभी तक सलामत है। आप टेंशन मत लीजिए, मेरी चोटी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। रात में जहां एक और धनिया गहरी नींद में सो रही थी, वहीं रामू की आंखों में नींद की जगह एक गहरी सोच ने अपनी जगह बना रखी थी। मोहल्ले की सारी महिलाओं की चोटी कट गई, लेकिन धनिया की चोटी अब तक नहीं कटी। कहीं धनिया ही तो चोटी चोर नहीं? नहीं नहीं, मेरी धनिया ऐसा नहीं कर सकती। शक के बादल रामू के मन में उमड़ घुमड़ कर ही रहे थे कि तभी धनिया के शरीर में हरकत होने पर रामू अपनी आंखें बंद करता हुआ सोने का नाटक करता है। धनिया कैची लेकर, मतलब महिलाओं की चोटी काटने वाली मेरी धनिया ही है, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रही है? हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी धनिया इंसान नहीं, चुड़ैल है। रामू के घर से चुड़ैल को निकलते हुए जानकी भी देख लेती है। अपनी चोटी कट जाने के बाद से ही जानकी में रोष था, लेकिन जब गांव में और भी महिलाओं की चोटी कटने लगी तो उसने चोटी चोर को पकड़ने की ठान ली थी। चुड़ैल के नजर आते ही उसकी मेहनत सफल होती दिखाई देने लगती है। आज मैं एक नहीं, कम से कम 10 चोटियां काट के लाऊंगी। अच्छा, तो हम सबकी चोटी काटने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल है, लेकिन ये तो धनिया के घर से आई है। ओ राम जी, इसका मतलब धनिया बहन चुड़ैल है। तभी कहूँ मोहल्ले की सारी महिलाओं की चोटी कट गई, पर इस धनिया की चोटी क्यों नहीं कटी अभी तक? अगले दिन रामू काम खत्म कर शाम को घर लौट रहा होता है कि तभी रास्ते में हैरान परेशान जानकी उसे मिलती है और रात वाली बात रामू को बताती है। धनिया चुड़ैल है ये मुझे भी पता चला है जानकी बहन, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं शमशान वाले बाबा से ये माला ले आया हूँ, इसे पहनते ही धनिया एकदम ठीक हो जाएगी। रामू की बात सुनकर जानकी की चिंता कम हो जाती है और वो अपने घर चली जाती है। जल्द ही सूरज देवता अस्त हो जाते हैं और चारों ओर रात का अंधेरा गिर जाता है। धनिया और रामू अपने घर में सो रहे होते हैं, मगर आधी रात होते ही रामू उठ खड़ा होता है और तकिए के नीचे रखी माला निकालकर धीरे से उसे धनिया के गले में डाल देता है। हे शमशान के बाबा, अब आप ही रक्षा करें। हे भगवान, तुम मूर्ति नहीं एक चुड़ैल हो। बिल्कुल सही पहचाना। इसका मतलब तुम ही वो चुड़ैल हो जो सबकी चोटी काटती है। हाँ, मैं ही हूँ वो चुड़ैल जो सबकी चोटी काटती है। लेकिन अब तुम मेरी सच्चाई जान गए हो, तो इसलिए मैं तुम्हारी गर्दन काटूंगी। धनिया बचाओ, बचाओ मुझे धनिया, इस चुड़ैल से हमको बचाओ, अब बचाओ धनिया, बचाओ हमें। धनिया धनिया बचाओ मुझे, ये चुड़ैल मार डालेगी मुझे, बचाओ। छोड़ छोड़ मेरे पति को, चुड़ैल कही कि छोड़ मेरे पति को। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को मारने की? छोड़ उन्हें।
ये चुड़ैल यहाँ कैसे आई? और मेरे गले में ये माला कहाँ से आई? धनिया, मैं जो अप्सरा वाली मूर्ति लाया था, ये उसी मूर्ति की चुड़ैल है। और यही चुड़ैल सबकी चोटियाँ काट रही है। और ये जो माला तुम्हारे गले में है, ये मैंने ही तुम्हारे गले में डाली थी। मुझे लग रहा था कि चोटी काटने वाली चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि तुम हो। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ धनिया, मैं सच कह रहा हूँ। कल रात मैंने तुम्हें कैंची लेकर कमरे से जाते हुए देखा था, तो मुझे लगा कि चोटी काटने वाली चुड़ैल चोर तुम ही हो। लेकिन इसके सामने आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पर मैं अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ धनिया। छोड़िए भी, गलती तो किसी से भी हो जाती है ना। लेकिन इसका क्या करना है ये सोचिए पहले। चुड़ैल लगातार दरवाजा पीटे जा रही थी। रामू और धनिया दरवाजे पर पहरा देते हुए वहीं बैठे बैठे कब सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह सूरज ने जैसे ही आंखें खोली, रामू और धनिया भी जाग उठे। लेकिन कमरे से कोई आवाज ना आते हुए देखकर जिज्ञासावश रामू और धनिया ने दरवाजा खोला, तो सामने खिड़की से सूरज की रोशनी में चुड़ैल वापस मूर्ति बन रही थी। रामू और धनिया को समझते देर ना लगी कि अब क्या करने में भलाई है। वो तुरंत दौड़े और उन्होंने मूर्ति को उठाकर जमीन पर पटक दिया। मूर्ति टूटकर बिखर गई। हम जीत गए धनिया। बहुत बढ़िया। ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। कब कौन सा रहस्य हमें हैरान और परेशान कर दे, ये कोई नहीं जानता। इसीलिए सोच समझ कर ही किसी भी चीज को अपने घर में लाइए। रामू और धनिया की किस्मत अच्छी थी कि वो मूर्ति की चुड़ैल से बच गए। शायद आपकी किस्मत इतनी अच्छी ना भी हो। अरे यार साहिल, मैं परसों अपने नेटिव प्लेस जा रहा हूँ और परसों ही तेरा बर्थडे है। तू कहना क्या चाहता है? यही कि तू मुझे कल ही पार्टी दे दे। ठीक है, तो मेरा बर्थडे गिफ्ट भी तू कल ही दे दे। अरे पहले पार्टी तो दे, गिफ्ट भी मिल जाएगा तुझे। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, तुझसे क्या गिफ्ट लूंगा। पर हाँ, पार्टी मैं जरूर दूंगा, लेकिन कल नहीं, आज। तो फिर मैं कैब बुक कर लेती हूँ, चलते हैं हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट तंदूरी जायका वायका में। बस 2 मिनट में कैब आ रही है। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों ने तो प्यार कर लिया, पर अब शादी कब कर रहे हो बोलो? बस एक बार हम दोनों के घर वाले मान जाएं, फिर शादी वादी धूमधाम से होगी, क्यों रिचा? राइट। लेकिन यार मेरे मन में ना एक कंफ्यूजन है जिसे तुम दोनों ही दूर कर सकते हो। यही कि जब तुम दोनों के बच्चे होंगे तो वो मुझे चाचा कहेंगे या मामा? यार ये तो सचमुच बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल है, क्योंकि तू तो हम दोनों का बेस्ट फ्रेंड है। साहब, अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं। ओके, कर दो। साहब, बेबी होने के बाद उसे महीने में 15 दिन चाचा बोलने के लिए कहिए और बाकी 15 दिन मामा बोलने के लिए। भाई वाह, बहुत अच्छा आइडिया दिया है तूने। अब गाड़ी पर भी ध्यान दे दे भाई, बात करने के चक्कर में कहीं ठोक मत देना। जी सर। अरे नहीं, यार
ये तो मर गया। मेरा गला सूख रहा है। अरे वो देखो, उधर एक घर है, वहां चलते हैं हम। माँ, पानी मिलेगा क्या? क्या अभी तुम्हारा ही एक्सीडेंट हुआ था बच्चों? जी माँ जी, ठीक है, रुको मैं पानी लाती हूँ। ये लो बच्चों। थैंक यू माँ जी। बच्चों, जिस एक्सीडेंट में तुम तीनों बच गए हो, उसमें तुम तीनों की मौत लिखी थी। वो फिर आएगा, तुम्हें छोड़ेगा नहीं। कौन नहीं छोड़ेगा? वही जो तुम्हारे पीछे खड़ा है, काल। माँ जी, आपको तो कुछ दिखता नहीं है, फिर आपने कैसे कहा कि कोई हमारे पीछे खड़ा है? जो किसी को नहीं दिखता वो मुझे दिखता है, बस सावधान रहना। बड़ी अजीब लेडी है यार ये, डरा कर चली गई। ए सुन, तू पुलिस को फोन कर। हेलो पुलिस। हाँ विनय, बोल। कैसा यार तू? क्या बताऊं यार, 7 दिन हो गए एक्सीडेंट को, लेकिन पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। मेरा भी यही हाल है यार। रिचा कैसी है? ठीक है। अच्छा सुन, तुझे क्या लगता है, वो अंधी माँ जी सच कह रही थी क्या? तू भी ना यार, आज के जमाने में भी ऐसी बातों पर विश्वास करता है तू? उस बुढ़िया की बात दिमाग से निकाल और चिल कर, हमारी उम्र बहुत लंबी है। अच्छा चल, मैं बाद में बात करता हूँ, बाय। रिचा, तुम कहाँ हो? कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ तुम्हारा। तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रिचा, साहिल, साहिल अब इस दुनिया में नहीं रहा। What? Oh my God! कब कैसे? वो अपने गार्डन में था और अचानक गार्डनिंग फोक उसकी चेस्ट में घुस गया और वो वहीं पर। ओह गॉड, रिचा, हम भी नहीं बचेंगे, हम दोनों भी मर जाएंगे। उस बूढ़ी माजी की बात सच होती हुई लग रही है मुझे, हम भी मरने वाले हैं। विनय, विनय, डोंट क्राई, रो मत, कुछ नहीं होगा हमें, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। साहिल ने भी ऐसे ही कहा था, पर वो मर गया ना। विनय, मैं बोल रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा हमें। रिचा, रिचा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? रिचा, रिचा, मैं आ रहा हूँ, अभी के अभी आ रहा हूँ।
काल से आज तक कोई नहीं बच पाया और ना ही कोई बचेगा। क्या आपको हमारे चैनल स्पूकी स्पूकी फ्राइडे के वीडियोस पसंद आते हैं? अगर हाँ तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन्हें हमारे स्टोरीज सबसे पहले मिलते हैं।